मस्त लग रहा है ना। सेम सेम देखिए दोस्तों, हमारे दोनों मुर्गियाँ, ये क्या कौन सा मुर्गी है गुड़िया जी? देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा लैपटॉप है, तो ये। हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का सुनील गुड़िया के एक और नए ब्लॉग वीडियो में। सो अभी दोस्तों मॉर्निंग का समय हो रहा, क्या हुआ? सुबह सुबह रो रहा है, जूता खोलने के लिए बोल रहा है, इसे पहना दिए है ना, क्योंकि दोस्तों ठंडी है ना काफी ज्यादा दोस्तों बढ़ चुके हैं, और आज भी दोस्तों कोहरा जो कि लगाए हुए हैं सुबह सुबह, देख सकते हैं आप लोग, सूर्य देवता हैं जो कि उगे हुए हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे गुड़िया जी हैं जो कि चूल्हे पे ही खाना बना रहे हैं, गैस दोस्तों भरवा नहीं रहे हैं इसी चलते, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो बच्चों लोगों को पैर उर सेकने में मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। चूल्हे में आग जला दी है तो दोस्तों अभी हम जा करके इसमें पानी दे देते हैं अध्ययन के लिए। तो चलिए दोस्तों, बगल में ही कल है ना यहाँ पे, तो यहीं से दोस्तों पानी है जो कि भर लेंगे और अध्ययन दे देंगे। तो पानी ले लिए अध्ययन देने के लिए, तो लेकर के चल रहे हैं। तो अध्ययन है जो कि चढ़ गए हैं और अभी चावल बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूती वाला बोरा है जो कि लिया है, ताकि गुड़िया जी को ठंड ना लगे है ना। खाली पैर ही खाना बनाते हैं ना किचन रूम में, हम भी दोस्तों खाली पैर ही रहते हैं खाना बनाते हैं। तो लगाइए तो तेज से लगाइए थोड़ा कि जल्दी खाना बन जाए। तो अभी दोस्तों आप सभी को मैं दिखाता हूँ जो कि सब्जियाँ जो लगाए थे हम और गुड़िया जी मिल करके, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा हो चुके हैं, और टमाटर का पौधा दोस्तों काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखिए इसमें दोस्तों फूल भी धर रहे हैं, ये वाला जो कि दोस्तों फूल धर रहे हैं, बहुत मस्त लग रहे हैं देखने में, हरा हरा। और विराट है जो कि दोस्तों अभी बाहर निकल गया क्या हुआ? और पूरे दोस्तों आंगन को ना गुड़िया जी हैं जो कि साफ सफाई कर दिए थे और निपाई पोताई भी किए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। मैं भी दोस्तों अपना चप्पल पहन लेता हूँ, मैं खाली पैर ही रहता हूँ। चलो अंदर चलो। चीकू अभी सो रही है, उसे दोस्तों बेड पर ही छोड़ दिए, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है ना। और ये है जो कि रहता है, मानता ही नहीं है, ये निकल जाता है मेरे साथ ही निकल जाता है। हाँ, गुड़िया जी के साथ में ही उठ जाता है, सभी लोग का बच्चा ये इसी ज्यादातर करते हैं उठते हैं या फुरसुना, ये भी उठ जाता है फुरसुना, सुतर रहेंगे गुड़िया जी तो ये भी सुतर रहेगा, और गुड़िया जी उठेंगे तो विराट भी उठ जाएंगे। तो अभी दोस्तों सूर्य भगवान जो कि उग गए हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर दोस्तों गुड़िया जी देखिए अभी काट रहे हैं यहाँ पे बचका बनाने के लिए आलू को, और फूल गोभी का दोस्तों आज जो कि बचका बनाएंगे। और चीकू देखिए सुबह सुबह, ये देखिए क्या खा रही, क्या खा रही हो, क्या मूंग दाल दिखाओ तो, ये दोस्तों मूंग दाल खा रही है ये देखिए, और साथ में पानी भी ली हुई है, पिएगी है ना, अच्छा लगता है मूंग दाल? विराट को सुला दिया तो वो केले केले खा रही है, केले केले चलिए फटाफट से जो कि बचका काटिए। सो अभी दोस्तों बचका जो कि हम लोग बनाएंगे, आलू को भी दोस्तों धो दिए हैं ये देखिए, और फूल गोभी को भी, और इसमें दोस्तों लपेसेंगे बेसन को, बेसन भी दोस्तों आन करके पहले ही रख दिए हैं, कहाँ है बेसन, बेसन वाजी। सो दोस्तों अभी बचका बनाने के लिए बेसन को घोर दे रहे हैं गुड़िया जी, मसाला है जो कि मिक्स कर दे रहे हैं है ना, उसके बाद पानी उन्हें डालेंगे, छाने जाएंगे दोस्तों मस्त तरीके से। और चीकू है जो कि देख रही है यहाँ पे खाना है ना, इसीलिए तो चलिए अभी दोस्तों मसाले को मिक्स किया जाएंगे। कढ़ाई जो कि हीट हो गए हैं, तो हम लोग अभी जल्दी जल्दी दोस्तों छान लेते हैं पकौड़ा और बचका को। चलिए, और दोस्तों ठंडी के मौसम में मतलब फूलगोभी का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा खाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, कौन कौन लोगों का दोस्तों फेवरेट है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए डालिए जल्दी जल्दी, हाँ ये देखिए दोस्तों अभी छना रहे हैं फूलगोभी के पकौड़ा, ये देखिए एक तरफ दोस्तों हो गए हैं, अभी इसे पलटते हैं, ये देखिए थोड़ा बस बस छोड़ दीजिए ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे फूलगोभी पकौड़ा है जो कि पूरी तरह से तो तैयार हो गए हैं, अभी इसे थाली में डालते हैं, ये देखिए दोस्तों मस्त लग रहे हैं, ये देखिए थोड़ा जल भी गया लग रहा है ना, हल्का हल्का ना। तो दोस्तों ठंडी के दिनों में ना चूल्हे पे खाना बनाने में बहुत दोस्तों मजा आते हैं, है ना गुड़िया जी? लेकिन धूप उग जाते हैं उसके बाद से अन्न सड़ने लगता है। हाँ, अब गर्मी के दिन में तो इतना ज्यादा दोस्तों पसीना चलते हैं कि किचन रूम में या किचन मतलब खाना बनाने में मन ही नहीं लगता, लगता है कि कब बने खाना। हाँ बनाते बनाते मन अनुसार।
सो दोस्तों पूरी तरह से बचका है जो कि बन चुका है। और अभी देखिए ये बर्तन को जो कि दोस्तों वाश करेंगे ले जा करके, चलिए जल्दी जल्दी वाश करेंगे, उसके बाद दोस्तों खाना खाएंगे। और टाइम दोस्तों हो चुके हैं 11 से ज़्यादा दोस्तों जो कि टाइम हो चुके हैं। और विराट जो कि वहाँ पर खेल रहा है, चलिए दोनों दोस्तों मिल करके बर्तन को वाश करेंगे। गुड़िया जी बर्तन वाश करेंगे और हम जो कि पानी चला देंगे ताकि जल्दी जल्दी है जो कि वाश हो जाए। और विराट को देखिए उधर खेल रहा है। इधर आओ इधर आओ, ए बोरा में हेलो गए हैं, कर रहा है। चलिए लगाइए यहाँ पे ये पानी दोस्तों चला दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों सूर्य भगवान जो कि पूरी तरह से उग गए हैं, धूपा दोस्तों तेज जो कि उग गए हैं अभी। आ जाओ इधर विराटू। देखिए दोस्तों हमारे दोनों मुर्गियाँ, ये क्या कौन सा मुर्गी है गुड़िया जी? इलाहाबादी इलाहाबादी मुर्गी है। अरे चिको अभी तुम बरस कर रही हो रे। आपको देखिए अभी ये मुर्गी हकाने आया है यहाँ पे, देखिए छोटा छोटा मुर्गी है ना, तो इसी को हकाने के लिए आया है विराट। इधर चलो, इधर कचरा से निकलो, इधर कचरा है ढेर सारा, आ जाओ चलो इधर साफ सुथरा में रहो, साफ सुथरा में रहने के लिए चलो। अरे माम। सो दोस्तों राख बानी से जो कि पूरे बर्तन को अभी आज दिए हैं, अभी दोस्तों वाश कर लेंगे पानी से। सो दोस्तों ये न्यू बाल्टा लिए हैं, इसमें पानी ले लिए हैं, इधर बर्तन भी दोस्तों वाश हो गए। और अभी दोस्तों लेकर के चलते हैं। और चीकू देखिए बरस कर रही हूँ वहाँ पे बैठ करके। यहीं पे दोस्तों रखते हैं, हाँ यहीं पे चाट बिछाते हैं। अच्छा लाइ चलिए यहाँ है दोस्तों चाट, चाट को बिछाएंगे क्योंकि खाना खाएंगे, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं ना कुछ देर में दोस्तों दोपहर हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे। फोन आ गया मेरा, पता ना कहाँ से आया है दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये फोन आए हुए थे किसी कंपनी वाले का, तो उन्हीं से दोस्तों बात कर रहे थे। चलिए फिलहाल दोस्तों अभी जो कि बिछाते हैं और खाना खाएंगे। क्या हुआ इसको, मुँह धो रही थी ना जी? तुम मुँह धो रही हो ना? पानी लेकर जा करके कुल्ला करो, अच्छा से कुल्ला करो, हम बिछाते हूँ। तो खाना लगाने के लिए जा रहे हैं ना, विराट साथ साथ में जा रहा है, बोरा हमें गोद में ले रहा हो, क्योंकि बहुत देर से नहीं लिए हैं गुड़िया जी विराट को गोद में, इसीलिए अभी दोस्तों खाना लग रहे हैं। गो मुँह धो लीजिए को, कैसा दांत दिखाओ कैसा है जी? हाँ पूरा क्लीन है, चलो अच्छा बात है। तू भी खाना खाएगी? तुम भी खाना खाओगे मेरे साथ में? मेरे साथ में खाना तुम चिको है ना, चलो लेकर के। क्या गोभी वाला दे दिए? गोभी वाला मिल गया, मिल गया, ये देखो ना गोभी वाला मिल गया। हाँ भाई जिन जिन को खाना है आप लोग खा लीजिए, इसी में से चिकू भी दोस्तों मुंह धो ली है, तो अभी बैठ करके खाएंगे हम लोग ना चिको। विराट भी अपना खाना लेकर के चला आया है, दाल चावल और आलू चाप खा रहा है, आलू चाप को ही सबसे पहले खा रहा है गुड़िया जी, आलू चाप को ही। देखिए खाओ 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 खाओ। अब मुर्गी भी दोस्तों चली आई है खाने के लिए, जब भी हम लोग खाते हैं ना तो ये मुर्गी चली आती है, इलाहाबादी मुर्गी ना चिको। और चिको दोस्तों खिलाती भी, भी हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, तो आप लोग भी दोस्तों खा लीजिए, विराट जो कि खा रहा है। चलो चिको खाओ, हाथ धोई, हाथ धोको, मुंह धो लिए, चलो खाओ, चलो गोर लगो, गोर लगो, अच्छा से ढंग से बैठ जाओ, गोर लगो, ऐसे पलथा मारिए, पलथा मारिए ना जी ऐसे, हाँ चलिए गोर लग के, गोर लग के खाइए, चले ये खाओ। अभी दोस्तों खा रहा है। सो अभी दोस्तों हम लोग खाना उना खा करके रेडी हो चुके हैं, मार्केट के लिए दोस्तों हम लोग अभी निकल रहे हैं। और मार्केट दोस्तों इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गुड़िया जी को ना शॉल खरीदना है, प्लस में जो चावल उबल है जो खत्म हो चुके हैं राशन वाले सामान, तो वही दोस्तों हम लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं कि रेडी हो चुका है। देख लीजिए चिकू, तुम चलो वहाँ सूरज के पास, तुम्हें छोड़ देंगे, रहोगी ना? हाँ सूरज के पास है जी, सूरज के पास, चलो चलो चाचा, चलो चलो चलो। क्या हाँ जाने के लिए, चिकू नहीं रोती है,
चलिए अभी दोस्तों लॉक करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं हम लोग सीधे मामा के यहाँ और वहाँ से दोस्तों निकलेंगे मार्केट। अभी दोस्तों आ चुके हैं मार्केट में चावल खरीदने के लिए। यही चावल यही चावल है दोस्तों ले जाते हैं। तो एक सेकंड दोस्तों जो खरीद लेते हैं। यही वाला चावल है वो दूसरा सूर्या के। तो यही वाला है जो दोस्तों ले रहे हैं। सूर्या कैसे है? ये कैसे बुक पड़ेगा? 780 रुपया पड़ेगा। 25 केजी 780 रुपये का दोस्तों 25 केजी पड़ेंगे। यही ले लेते हैं ना। हाँ ठीक है ले लीजिए। चलिए यही ले लेते हैं। और भी कुछ लेना है? तेल ले लीजिए, दाल। दाल दे दीजिएगा 1 केजी। मसूर दाल ले दीजिएगा 1 केजी। तो अभी आ चुके हैं साल खरीदने के लिए। देख लीजिए कौन सा बढ़िया रहेगा। अभी दोस्तों साल है जो कि खरीद लिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों जो कि मिठाई लेते हैं चीकू के लिए तो स्पंज भी खा लेते हैं। यहाँ पे स्पंज है जो कि लग चुका है, एक यहाँ पे गुरिया जी का और यहाँ पे मेरा बड़ा बड़ा दोस्तों। ये दोस्तों 15 रुपये पीस पड़ते हैं हमारे यहाँ। आप लोग यहाँ कैसे पड़ते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सो हमारे यूट्यूब फैमिली पहले आप लोग खा लीजिए। बहुत बड़ा बड़ा है मुँह में, मतलब एक लीजिएगा ना तो पूरा भर जाएगा मुँह, ऐसा है स्पंज। चलिए अभी खाते हैं। अभी दोस्तों मार्केट से चला है घर पे, जितना भी दोस्तों सामान लेना था वो ले लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुड़िया जी जो कि जो साल खरीदे हैं ना वो ये वाला साल है। दिखाई दो गुड़िया जी कैसा इतना ये इस तरह के साल जो कि दोस्तों गुड़िया जी खरीदे हैं उभार के दिखाई था। और इसकी दोस्तों कीमत कितना पड़ेगा गुड़िया जी? 600। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आपको लग रहा है कि 600 का है, लेकिन क्या इधर बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है। उठिए था बहुत ज्यादा महंगा दोस्तों यहाँ इधर सामान मिलता है। गांव है ना, लोकल गांव है तो इसीलिए। हाँ ठीक लग रहा है। और चीकू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकाल दी है मिठाई। कौन सा मिठाई है? कौन सा मिठाई कौन सा नाम जानती हो? खोरमा। खोरमा मिठाई चीकू दोस्तों खोरमा खूब खाती है तो इसलिए हम लोग खोरमा ले लेते हैं। दोस्तों चावल है जो लाए खरीदे हैं दोस्तों किराना स्टोर से, और भी है जो कि सामान है जो खरीदे हैं, दाल और तेल। ये देखिए दोस्तों ये हमारे यहाँ 200 रुपये लीटर चल रहा है सरसों तेल। और इसमें है दोस्तों दाल है, दाल चाय पत्ती ये सब। ये देखिए चलिए अभी से रख देते हैं, वहीं से ठीक रहता है सामान लाने में। हाँ यहाँ पे महंगे भी देते हैं, थोड़ा महंगा और उतना अच्छा सामान भी नहीं रहता। अभी सारे सामान को अभी अंदर रख देते रूम में। पकड़ी तो गुड़िया जी, चलिए इसे दोस्तों लिए आए थे गाड़ी पर करके, आइए साइड में रख दो। गुड़िया जी का ताकत है बहुत ज्यादा। फैमिली इस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट दिन शूट कर रहे हैं, और कल ना दोस्तों चावल लाने के बाद हम कहीं पे चले गए थे, और अभी हम निहा होकर फ्रेश हो चुके हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लैपटॉप है जो कि अभी चालू है, इसमें दोस्तों थोड़ा काम कर रहे थे हम इसलिए चालू है। देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा लैपटॉप है, तो ये लेनोवो का है देख सकते हैं, वो i3। और बैग वहाँ पे लटका हुआ है, इसी का बैग है। तो लेनोवो i3 हमारे पास लैपटॉप है ये देखिए। और टेक वाला वीडियो है जो कि इसमें एडिट कभी कभी कर लेता हूँ, नहीं तो अपने फ़ोन में भी कर लेता हूँ। और आप सभी को दोस्तों बता दूं कि ये देखिए हमारा जो कि एक पार्सल आया है, और इस पार्सल में क्या है गुड़िया जी खोल करके आप सभी को दिखाएंगे क्या है। और ठंडी ना दोस्तों काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, मतलब क्या है बहुत ज्यादा कोहरा है। आप लोग सेफ्टी से रहिएगा। हम तो अभी जस्ट निहाए हैं, तो ये यूट्यूब वाला टी शर्ट है जो कि हम लिए हैं। और इसमें क्या है आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा, जो कि ये टी शर्ट मेरा जो कि ये टी शर्ट दोस्तों हमें ना बहुत पसंद आते हैं। तो और ये एक ही है, एक ही है दोस्तों, बस यही टी शर्ट। इसलिए दोस्तों ऑर्डर कर लिए हैं। तो क्या ऑर्डर कर लिए आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं। खोलिए जल्दी, चलिए जल्दी निकाला जाए। सो दोस्तों यहाँ पर है जो कि यही वाला टी शर्ट जो कि मैंने ऑर्डर किया हूँ, देख सकते हैं आप लोग ये यूट्यूब टी शर्ट। क्योंकि दोस्तों ये मेरे को टी शर्ट इतना ज्यादा अच्छा लगते हैं ना कि क्या ही बोलूँ, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो 2 ठो ऑर्डर किए थे कितना? हाँ 2 ठो दोस्तों ऑर्डर किए हैं, तो देखिए 2 ठो मंगाए हैं क्योंकि मेरे को ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने मंगा लिया। ये देखिए
इस तरह का है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मतलब लगा ये टी शर्ट, प्लीज बताइएगा कमेंट करके। आप पहन कर देखिए तो कैसा लग रहा है। सो दोस्तों अभी गुड़िया जी भी टी शर्ट पहन लिया यूट्यूब कैसा लग रहा है। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा टी शर्ट है जो कि लग रहे हैं गुड़िया जी पर और मेरे पे, बताइएगा। मस्त लग रहा है ना, सेम सेम है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग दोस्तों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कभी दोस्तों हम दोनों एक ही टी शर्ट पहन करके ब्लॉग बना करके दिखाएंगे आप सभी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।